दोस्तों, अगर आपको लगता है आपको भारत देश के मंदिरों के बारे में सब जानकारी है तो आप गलत हो, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में जिनके बारे में सुनकर आपका सर चकरा जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले, अगर आप और ऐसे रोमांचक वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। करणी माता मंदिर राजस्थान में बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक नामक स्थान है। वहां पर आपको ये करणी माता मंदिर देखने मिल जाएगा। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर भक्तों से ज्यादा काले चूहे नजर आते हैं, और इन्हीं काले चूहों के बीच अगर सफेद चूहा दिख जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। इन चूहों को यहाँ के भक्त खाने में लड्डू और दूध देते हैं, और इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इन चूहों से भरे मंदिर के बाद जब कोई इंसान बाहर पैर रखता है तो उसे एक भी चूहा दिखाई नहीं देता, और इस मंदिर के भीतर कोई बिल्ली प्रवेश नहीं करती। और जब प्लेग जैसे बीमारी ने अपना आतंक दिखाया था तब ये मंदिर ही नहीं पर पूरा इलाका इस बीमारी से महफूज था। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान में लोकेटेड ये हनुमान जी का मंदिर बहुत ही जागृत स्थान माना जाता है। लोगों का ये मानना है कि इसमें विराजित श्री बालाजी अपने शक्तियों से बुरे आत्माओं से छुटकारा दिलाते हैं। मंदिर में भूत प्रसाद से ग्रस्त लोग यहाँ पर प्रार्थना के लिए आते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग संकट वाला कहते हैं। भूतों से पीड़ित लोगों के लिए ये मंदिर अपने घर समान हो जाता है, और श्री बालाजी ही उनकी अंतिम उम्मीद होते हैं। बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लोगों को जंजीर से बंधे उल्टा लटक कर देखा जा सकता है। इस मंदिर से जुड़े चमत्कार को देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। और जब शाम को इस मंदिर में बालाजी की आरती होती है तब भूत प्रेत से पीड़ित लोगों को यहाँ पर झूंझते देखा जा सकता है। और आरती के बाद लोग यहाँ के मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं और वहाँ के पुरोहित इन लोगों पर कुछ उपाय करते हैं, और कहा जाता है कि इसके बाद कोई भी पीड़ित व्यक्ति इससे स्वस्थ हो जाता है। ओम बना मंदिर, क्या कभी आपने सोचा है किसी मंदिर में रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक की पूजा होगी? जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं उसे ओम बना या फिर बुलेट बाबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की मुख्य प्रतिमा ये बुलेट बाइक ही है, और ओम बना जिनका पूरा नाम ओम सिंह राठौड़ है ये उनकी बाइक थी। सन 1998 में इसी बाइक से अपने गांव लौटते वक्त ओम बना बाबा की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। लोग इस मंदिर में अपनी यात्रा सुरक्षा के लिए आते हैं। आपका इस मंदिर के बारे में क्या कहना है ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी का मेन अट्रैक्शन है। बताया जाता है कि ये मंदिर एक तांत्रिक देवी को समर्पित है। क्या आप सोच सकते हैं किसी मंदिर में मुख्याम लोग महिला के योनि की पूजा करते हैं? दरअसल ये चीज हमारे देश में काफी सालों से होती आ रही है। ये मंदिर आसाम गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ों पे स्थित है। कहा जाता है कि सती का योनि पाक कामाख्या में गिरा, और उसी स्थल पर कामाख्या मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर में प्रति वर्ष अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है, और इसमें देश भर के तांत्रिक और अगोरी हिस्सा लेते हैं। माना जाता है कि इस मेले के दौरान एक दिन माँ कामाख्या राजस्वला होती है, और इन 3 दिन में इस योनि कुंड से जल प्रवाह की जगह रक्त प्रवाह होता है।